So, hello students, good morning to all. So, today we will discuss the next part of the human digestive tract, that is digestive glands. Before going to discuss the different types of digestive gland, let's discuss what exactly a gland is. Gland kya hai? Any cell, organ or tissue, a group of cells ki jo arrangement hai, ya koi organ jo kisi tarah ki secretion produce karta hai, usko hum gland kehte hain. Glands secretion ke basis pe do tarah ke ho sakte hain. Hum glands ki thode se jo hai wo types dekh lete hain. Agar hum aaj slides ke through isko karne ki koshish karenge, yahan dekhiyega, maine kaha koi cell, group of cell, theek hai, ya organ jo kisi tarah ki koi secretion jo hai secrete karta hai, usko hum kya kehte hain? Gland kehte hain. Gland kis tarah ka ho sakta hai, theek hai? सिक्रीशन अगर किसी सेल की, ठीक है, अगर वो सिक्रीशन डायरेक्ट किसी डक्ट में आ रही है, मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है और ग्लैंड की ये इस तरह से कोई डक्ट है, ठीक है, और ये सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू बाहर आ रही है, तो इस तरह के डक्ट वाले ग्लैंड को हम कहेंगे क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. और दूसरा, अगर कोई जो ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू नहीं आती है, वो डायरेक्ट सिक्रीशन कहीं ब्लड में पोर होती है, इस तरह के ग्लैंड्स को हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये एग्जांपल देख लीजिए, ये थी एक्सोक्राइन और ये एंडोक्राइन की, जहां एंडोक्राइन आर डक्टलेस ग्लैंड्स, जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, और ये हमेशा सिक्रीशन कहां सिक्रीट करते हैं? ब्लड में जो है सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, ठीक है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को कौन से हो गए जिनके आगे डक्ट है? सो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड दीज आर ग्लैंड्स विद हैविंग डक्ट्स. ये आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. यहां देखिएगा आप, ग्लैंड्स जो है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो है यहां पे डाइजेस्टिव ट्रैक में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करनी है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहता है तीन तरह के फर्दर डिवाइड होते हैं, एक मीरोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स एंड होलोक्राइन ग्लैंड्स. मीरोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्यों ग्लैंड्स पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब हम इसके बाद बात करेंगे ना सैलिवरी ग्लैंड्स की, तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं वो सैलिवरी ग्लैंड्स बनते हैं. तो कहता है ये क्या है, जो मीरोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स क्या हैं? अपनी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू डायरेक्ट बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है. ये वाले ग्लैंड्स जो हैं, ये क्या करते हैं, कुछ जैसे सेल की मेम्ब्रेन है वो भी बड ऑफ होती है, सेल की मेम्ब्रेन जो है वो भी बड ऑफ होती है जब सिक्रीशन के साथ वो भी बाहर जाती है. और तीसरे केस ये जो है, ये पहली बात की थी मीरोक्राइन की, जहां सिक्रीशन जा रही है डक्ट के थ्रू बाहर, यहां सेल की जो अंदर मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन भी बड ऑफ होके साथ में सिक्रीशन के बाहर जा रही है. और तीसरे केस में पूरा सेल जो है वो डिस इंटीग्रेट हो रहा है सिक्रीशन के साथ, ठीक है, दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड. तो मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन, तीन तरह के ग्लैंड्स हो गए, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब ये कह रहा है ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसके बेसिस पे ग्लैंड्स की बात कर रहा है? टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डक्टल पैटर्न, जहां से वो सिक्रीशन लेके जा रहे हैं उन डक्ट्स के बेसिस पे. कहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड दो तरह के हैं, सिंपल टाइप के और कंपाउंड टाइप के. जहां ये सीधा ट्यूब्यूल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सीधा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल ग्लैंड, सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड, और जहां पे ये देखिए ये ट्यूब्यूलर, और जहां पे ये बल्ब सा आगे बनाते हैं, इनको एल्वुलर कहते हैं. तो दो तरह के, सिंपल, कंपाउंड, उसके बाद ट्यूबुलर और एल्वुलर. इसमें भी फर्दर है, ब्रांच वगैरह है. सिंपलर क्यों कह रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है नीचे वाले केस के मुकाबले में. नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पे, हम सैलिवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, अब डेफिनेशन पे चलते हैं. सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, ये एक्सोक्राइन है, मतलब ग्लैंड्स हैविंग डक्ट्स, इनकी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू पोर होती है. मीरोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं वाया डक्ट. सिंपल आर कंपाउंड, कुछ सिंपल भी हैं और कुछ कंपाउंड भी हैं, दोनों तरह के हैं, ठीक है. ट्यूब्यूलो एकिनर कह रहे हैं इनको, ये जो है एल्वुलर शेप में भी थे और ट्यूबुलर शेप में भी थे, इसलिए हमने इसको कहा सैलिवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन, मीरोक्राइन, सिंपल कंपाउंड एंड ट्यूब्यूलो एकिनर टाइप ऑफ ग्लैंड्स सिक्रीटिंग सलाइवा. क्या करते हैं ये? सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है. सलाइवा क्या है इसको हम आगे जाके देखते हैं. क्लासिफिकेशन अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की कहें ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे बात करें, अगर हम साइज पे कि इन ग्लैंड्स के साइज के बेसिस पे कितने तरह के ग्लैंड्स हैं, कहता दो हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. मेजर मतलब जो बड़े हैं
उनमें आपका सबसे बड़ा आ गया पैरोटिड ग्लैंड, फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। इनको देखते हैं इनकी पोजीशन कहाँ है। कोई माइनर ग्लैंड्स में बहुत सारे आते हैं, लेबियल आते हैं, लिंगुअल आते हैं, ठीक है, पैलेंटाइन आते हैं, कार्मल्स आते हैं, ग्लैंड्स ऑफ वॉनवेयर आते हैं, ठीक है, इनको आगे देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सिक्रीशन, किस तरह की सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं इसके बेसिस पे भी है। तो ये अगर प्योर सीरस सिक्रीट करते हैं, वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसमें प्रोटीन होती है, और मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेस एंजाइम है, सेलुलरी अमाइलेस है, ठीक है। इसी तरह जो म्यूसिन की सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस ग्लैंड दो और तीसरे हैं जो मिक्स्ड, ठीक है। इनमें अगर हम सीरस की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ वॉन एब्नोर जो है, ये दोनों जो है सीरस सिक्रीशन करते हैं। म्यूकस सिक्रीशन करने वाले की बात करें तो लिंगुअल, ठीक है, लिंगुअल टंग से रिलेटेड था वो, और ब्लंडन एंड नंस ग्लैंड आगे देखेंगे कहां है, ठीक है। और मिक्स्ड अगर सिक्रीशन करते हैं जहां म्यूकस भी और सीरस भी दोनों सिक्रीट करते हैं तो ये ग्लैंड्स आ जाते हैं, कौन से, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। अकॉर्डिंग टू हमने देखा क्या इनका, बात की सिक्रीशन साइज के बेसिस पे, अब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डक्टल सिस्टम, किस तरह का सिस्टम उनका जो डक्ट्स कंडक्ट करते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में माइनर सलवरी ग्लैंड्स आ गए और कंपाउंड वाले में मेजर सलवरी ग्लैंड्स आ गए। अगर आप वापस पीछे जाके देखें, ये सिंपल वाले और ये कंपाउंड वाले, ठीक है, इस बेसिस पे हो गए। अब हम कहीं एक एनाटॉमी देख लें कहीं ग्लैंड्स की, तो इसको आप ये देखिए आगे एल्वियोल्स वगैरह है, ये पूरा डक्टल सिस्टम, इसको आप ग्रेप्स के इस बंच के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि इंटरनली कहीं स्ट्रक्चर जो है ये है, और ये स्ट्रक्चर किस तरह से कैसे काम करता है ये देखिए। यहां पे जैसे सीरस सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे उन सेल्स को, तो एक ओवरऑल ओवरव्यू देख लीजिए आप। ये सेल्स का अरेंजमेंट है, और वो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं जो ब्रेस्ट में भी रहते हैं, जो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स का अरेंजमेंट देख लीजिए आप, इस सेल्स को डिटेल में देख लेते हैं आगे हम। पहले हम जो बात कर रहे थे सीरस सेल्स, मैंने कहा ये प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स हैं, मैक्सिमम इनमें जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स की फॉर्म में रहती है, ठीक है। जैसे सलवरी माइलेज की बात कर ली हमने, इसकी देख लीजिएगा अरेंजमेंट किस तरह की है, ठीक है। ये लाइमोजेंस कहा है, इनएक्टिव एंजाइम्स जो है कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो एक्टोसाइटोसिस से करते हैं, मीरोकाइन कह दिया। उसके बाद ये म्यूकस सेल्स हैं जो मैंने कहा कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और तीसरे आपके आपके मायो एपिथेलियल सेल्स, ये कंट्रैक्शन करते हैं स्मूथ मसल्स को, और ये रिलीज करवाते हैं क्या, इस सलाइवा को, जो हमने बात की थी कहां ब्रेस्ट में भी इस तरह के सेल्स जो हैं वो रहते हैं, जो मिल्क इजेक्शन में काम करते हैं। ये उसकी डायग्राम है मायो एपिथेलियल सेल्स की, देख लीजिएगा उनका अरेंजमेंट, ठीक है। ये मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये बाकी सेक्रेटरी सेल्स हैं, उनका अरेंजमेंट है, ठीक है। और इसके बाद अगर डक्टल एलिमेंट्स की बात करें तो जो मेन सेल्स हैं उनको हम एकिनल सेल्स कहते हैं, एकिनस सेल्स कहते हैं। तो ये डक्टल सिस्टम जो है इनको कहीं कनेक्ट कर रहा है, ये है एकिनल सेल्स, इंटरकैलेटरी डक्ट्स, स्टेटेड डक्ट्स, एक्सक्रीटरी डक्ट्स, और उसके बाद डक्ट्स आगे जिनको ग्लैंड जहां से ओरिजिनेट हुआ है वो लेके जा रहा है, सलवरी ग्लैंड तो उसका नाम दिया गया है, जैसे स्टेंसन्स डक्ट है, वार्टन्स डक्ट है, ठीक है। इस तरह डक्ट्स ऑफ रिबिनस है, बार्थोलिन डक्ट्स है, ये आगे देखेंगे क्या है। अब हम देख लेते हैं एनाटॉमी जो है इनकी ग्लैंड्स की, तो ये जनरल ओवरव्यू आप देख लीजिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। तीन मेजर ग्लैंड्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, ये रहा इसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल वर्ड इज रिलेटेड टू टंग, ये रहा। और तीसरा ग्लैंड दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड आर, ये रहा वो ग्लैंड, ये पार्ट दिख रहा है कहीं, लेबलिंग उस तरफ हुई है, ठीक है। तो ये तीन ग्लैंड्स हैं जिनकी इस तरह से पोजीशनिंग है। अब इन तीन ग्लैंड्स को मेजर सलवरी ग्लैंड्स को हम पढ़ रहे हैं, तो पहला ग्लैंड आ गया पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है अगर हम कहें तो, दिस वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लेकिन इसका रोल जो है ये तकरीबन सलाइवा सेक्रीशन में जो है वो कम रोल प्ले करता है, 20% तक जो है इसका ये रोल रहता है, हालांकि साइज में बहुत बड़ा है। तो एनाटॉमिकली अगर हम इसको देखें, डायग्राम में देखें, तो ये देखिएगा, ये मैं बात कर रहा था, ये रहा पैरोटिड ग्लैंड, ये यहां पे ये देख पा रहे हो अगर आप, तो ये पूरा पार्ट जो है, तो इसको पैरोटिड क्यों बोल रहे हैं, पैराओटिड, ये सराउंड करता है कान, ये देख लीजिए ये कान है, कान, ओटिड वर्ड इज रिलेटेड टू द ईयर, ये इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा यहाँ चीक्स के पास इस एरिया में रहता है, ये कान है तो इस पोजिशन में है, दैट्स वाई इसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और
वापस इसको पीछे देखते चलें, अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो द पेयर्ड, ये मत समझिएगा कि ये एक ही तरफ है, पैरोटिड ग्लैंड इस तरफ भी रहेगा और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ होगा, ये पेयर है पैरोटिड ग्लैंड का। द पेयर्ड पैरोटिड ग्लैंड्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द मेजर सर्वरी ग्लैंड्स में सबसे ज्यादा है और वेट में भी ये 15 to 30 grams वेट रखते हैं, ये देखा 15 to 30 grams वेट है, लोकेटेड इन द पेरिओर्थल रीजन एंड अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैंडिबल्स, ये इस एरिया में कहा मैंने रेमोसिप एरिया में। द पैरोटिड डक्ट आल्सो नोन एज द स्टेंसन्स डक्ट, इसको कंडक्ट करने वाला जो आगे डक्ट है, मतलब क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो इसका मतलब है इसको ले जाने वाला कोई ना कोई डक्ट होगा, और उस डक्ट को हम यहां क्या कह रहे हैं जो इसके लिए नाम दिया गया है, स्टेंसन्स डक्ट, ठीक है, स्टेंसन्स डक्ट। फिर पीछे चलते हैं, ये रहा वो डक्ट, ये जा रहा है जो ये डक्ट जो है सलाइवा को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन लेके कहां जा रहा है, इसको रिलीज कहां करवा रहा है स्टेंसन डक्ट से, जो सेक्रीशन सेक्रेट्स अ सीरस सलाइवा, कहा आपसे सीरस ग्लैंड है, ठीक है, इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ द ओरल कैविटी, याद रखिए कहां पे वेस्टिब्यूल पढ़ा था हमने, वेस्टिब्यूल ओरल कैविटी की, उसमें कहां द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड इट ट्रेवल्स पैरेलल टू द अप्रॉक्सिमेटली 1 centimeter बिलो इन एन इंटर डायरेक्शन क्रॉस द मैस्टर मसल्स, इट रन सप्लाई पिर्स द बको बकिनेटर्स मसल्स एंटर द ओरल कैविटी अपोजिट द सेकेंड अपर मोलर टूथ, लोकेशन इसकी यहां और ओपनिंग इसकी कहां है, जो हमारा अंदर वेस्टिब्यूल में चीक्स के पास अब सेकेंड मोलर टूथ है, उसके सामने ओपनिंग होती है, इसको डायग्राम में भी हम देखेंगे। तो ये रहा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, 15 to 30 grams जो है इसकी वेट है, और ये स्टेंसन्स डक्ट के साथ सेक्रीशन सेक्रेट करता है, ठीक है। मैं स्टेंसन डक्ट की बात करें तो ये 5 centimeter लॉन्ग है इसका स्टेंसन डक्ट जो है, ठीक है, और ये मैंने आपसे कहा कि अगर पोजीशन देखें एग्जैक्ट तो ये रही इसकी ओपनिंग सेकंड मोलर टूथ के बिल्कुल सामने, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं हम, ये देखिए बिल्कुल रियल माउथ में ये पार्ट खोला हुआ है, ये रहा इसका ओपनिंग, ठीक है, देख लीजिएगा इसकी पोजिशनिंग, ठीक है। एक अब आ जाता है पहला ग्लैंड, हमने कहा सबसे बड़ा ग्लैंड जो पैरोटिड ग्लैंड, हाँ इसी ग्लैंड में किसी तरह की अगर इंफेक्शन होती है जैसे पैरामेक्सोवायरसेस वगैरह के थ्रू, तो हम कहते हैं कि क्या स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम मम्प्स कहते हैं, मम्प्स बच्चों में अक्सर होता है ये। अब दूसरा ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल से मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजर ग्लैंड, दूसरा बड़ा ग्लैंड है जो तकरीबन 7 to 16 grams वेट में है, कहां लोकेट करता है सब मैंडिबुलर ट्राइंगल में, कहां विच हैज अ सुपीरियर बाउंड्री मैंडिबुलर एंड इंफीरियर बाउंड्री फॉर्म बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वैलीज ऑफ द डाइगेस्टिक मसल्स, अरे लोकेशन देख लेते हैं इसकी, ये रहा जहां माउथ जा का एंगल बनता है, लोअर जा का, मान लीजिए ये माउथ है, ये माउथ है, ये लोअर जा का एंगल जहां बन रहा है, ये देखिए इस एंगल में, ये एंगल में यहां पे इसकी लोकेशन है किसकी, दैट इज सेकंड डक्ट दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसकी लोकेशन बता रहा था मैं, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है सेकंड लार्जेस्ट है, ये म्यूकस सेक्रेट करता है, ठीक है, वो सीरस कर रहा था, ये म्यूकस करता है, और मैं बात बताता चलूं, ये 70% तक इसकी जो है रोल जो है वो रहता है, और उस दूसरे के मुकाबले में वहां 20% था, यहां 70% है, तो पोजीशन आपने इसकी देख ली। इसका भी डक्ट है भाई, जैसे स्टेंसन्स डक्ट जो था पैरोटिड ग्लैंड का था, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनको सेक्रीशन के लिए कोई ना कोई जो है वो डक्ट की जरूरत पड़ती है, तो जो डक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है उस डक्ट को हम वार्टन्स डक्ट कह रहे हैं, ठीक है, ये वार्टन्स डक्ट की हम बात करें तो ये वार्टन डक्ट आके कहां खुलता है, ये हमारा जो लोअर सेंट्रल इंसीजर्स है इनके अंदर आके जो है इसकी ओपनिंग होती है, यहां देखिए, ये देखिए, ये ओपनिंग ऑफ द वार्टन्स डक्ट, टंग के नीचे, ये देखिए, ये वार्टन डक्ट की ओपनिंग है, ठीक है, क्या कहा मैंने, दूसरा डक्ट दैट इज नोन एज द वार्टन डक्ट, पहला स्टेंसन्स डक्ट था और दूसरा क्या है वार्टन्स डक्ट। अब तीसरे ग्लैंड की तरफ चलते हैं जो मेजर ग्लैंड है भाई, ग्लैंड को दो सेक्शंस में हमने ब्रॉडली डिवाइड किया, सर्वरी ग्लैंड्स को मेजर सर्वरी ग्लैंड्स, मतलब बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं सलाइवा
प्रोडक्शन में, सिक्रीशन में, और दूसरे जो है माइनर, जिनका रोल थोड़ा कम रहता है। जो मेजर सलरी ग्लैंड है उनमें हमने दो पढ़ लिए हैं। तीसरा सब लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड इज रिलेटेड टू द टंग, जुबान के साथ एसोसिएटेड। ये देखिए, ये रही ऊपर टंग, ये पूरा पार्ट टंग का है, और ये ग्लैंड रहा, ठीक है। ये देखिए, ये पार्ट पूरा ग्लैंड का है, ठीक है। इसको वापस पीछे चलते हैं। ये तीनों में से अगर बाकी दो से कंपेयर करें तो सबसे छोटा ग्लैंड है, ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 2 से 4 ग्राम वजन में सिर्फ है, ठीक है। ये म्यूकस और एक्रिनल सेल्स का सिक्रीशन करता है, ठीक है। इट हैज अ फ्लैट स्ट्रक्चर प्लेट विद इन द इंटीरियर फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। इसमें जो इसकी ओपनिंग है, जैसे उनमें इस तरफ और इस तरफ दोनों डक्ट से सिंगल सिंगल डक्ट की ओपनिंग हो रही थी, यहां नहीं, यहां पे जो है वो डक्ट्स, ढेर सारे डक्ट्स, ये देखिए, ये यहां यहां देखते चलिए, ये सारे डक्ट्स हैं, टंग के नीचे खुलते हैं, इनको बोलते हैं हम डक्ट्स ऑफ रेविनस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? डक्ट्स ऑफ रेविनस। इनमें से क्या होता है, एक डक्ट जो है, अगली डायग्राम में देखें, ये देखिए, ये रहा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसका एक डक्ट इसके साथ आके अटैच होता है, दैट इज वार्टन डक्ट्स के साथ, जिस डक्ट्स ऑफ रेविनस की बात की हमने, और इस डक्ट को हम बोल रहे हैं क्या, ये देखिए, दैट इज नोन एज बार्थोलिन्स डक्ट। ये डक्ट सबलिंगुअल ग्लैंड का है, लेकिन इसके साथ जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ। देखिए पोजिशन ऑफ फ्लोरा माउथ आर एम्प्टी इनटू बार्थोलिन डक्ट दैट देन कंटिन्यूज इनटू द वार्टन डक्ट। वो डक्ट ऑफ रेविनस इसके साथ है, बार्थोलिन डक्ट जो है सिक्रीशन जो है वो कहां डंप कर रहा है, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, डक्ट ऑफ रेविनस ये रहे सारे, ये ऊपर डक्ट ऑफ रेविनस, ये मैंने कहा कि टंग है, और तो ये जो है साथ में सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है। तो ये ग्लैंड जो है बार्थोलिन डक्ट ये रहा, ये डक्ट, ये देखिए, ये मेन डक्ट ये आ रहा है, ठीक है, उसके साथ ये डक्ट अटैच है इधर से, किधर से, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, दैट्स वाई इसको बार्थोलिन जो है वो डक्ट कह रहे हैं, ठीक है। ये थे तीन डक्ट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हाँ, रेनुला जो है इसको हम बोल रहे हैं, अगर इसकी कहीं किसी तरह की कोई इंफेक्शन जो है नीचे, जैसे देख लीजिए यहां, तो ये मैं कह रहा था कि ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड से देखिए आगे आके जो है बार्थोलिन डक्ट ये इसके साथ अटैच है, डक्ट ऑफ रेविनस के साथ आके मिल रहा है, ठीक है। ये रेनुला जो है ये ट्रांसलूसेंस और सिस्टिक स्वेलिंग हो जाती है टिंग में, जैसे लिंगुअल फ्रेनुलम के नीचे कहीं, ठीक है। माइनर सलिवरी ग्लैंड्स आ गए हैं, अब मेजर सलिवरी ग्लैंड्स हो गए हैं। मेजर सलिवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन सलाइवा, माइनर्स की भी सिक्रीशन सलाइवा। मेजर सलिवरी ग्लैंड्स की तरह माइनर सलिवरी ग्लैंड्स में उस तरह का ब्रांचिंग पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। ड्रेनिंग डक्ट्स का इस तरह का पैटर्न नहीं होता, इंस्टेड ईच सलिवरी ग्लैंड हैज इट्स ओन सिंपल डक्ट, सिंपल सा डक्ट है उनका, वैसे कंपाउंड तरह का डक्ट नहीं है, ठीक है। ये बकल मतलब चीक्स, लेबियल, लिप्स, पैलेंटल मतलब पैलेंटाइन के साथ, पैलेंट के साथ, लिंगुअल जुबान के साथ, ये यहां पे भी हैं। ये सेल्स वहां हैं जहां से ये सिक्रीशन कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में है, इसलिए चीक्स उनको, लिप्स, टंग और पैलेंटाइन में जो है ऐड करें, कहां नहीं होते हैं ये याद रखिएगा, ये हार्ड पैलेट वगैरह पे नहीं होते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली साइड नहीं रहेंगे। इन एडिशन माइनर सर्वरी ग्लैंड्स में भी फोन एट द सुपीरियर पोल ऑफ द टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स के सुपीरियर पोल्स पे हैं, वेबर्स ग्लैंड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। टॉन्सिलर पिलर्स द बेस ऑफ द टंग, यहां एबनर्स ग्लैंड, ये कहां है स्पेशल बात। इन एडिशन माइनर सर्वरी ग्लैंड में भी फोन इन कहां पाए जाते हैं, और पोल ऑफ द टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिल्स के पोल पे वेबर्स ग्लैंड कहते हैं उनको, ठीक है। टॉन्सिलर पिलर्स, बेस ऑफ द टंग, वॉन, एल्बर, आगे देखेंगे आप, एबनर्स ग्लैंड भी बोलते हैं उनको। माइनर सलिवरी ग्लैंड्स मैंने कहा ये कहां
ये 600 से 1000 नंबर तक हो सकते हैं माइनरी सैलरी ग्लैंड्स का जो नंबर है। क्लस्टर ऑफ सेक्रेटरी यूनिट्स में देखें, 2/3 ऑफ द टंग तो कहां नहीं है, एक्सेप्ट में कह रहा था गिंगिवा, ठीक है, गम्स के ऊपर, एंटीरियर हार्ड पैलेट और एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, यहां पे ये मौजूद नहीं रहते हैं। ठीक है, माइनर सर्विस ग्लैंड्स में मैं फिर बात कर रहा था ब्लैंडेन एंड नॉन ग्लैंड्स की, ये देखिए उनकी पोजीशन बताई हुई है। ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ वॉन एबनर, अगर हम सर्कमरेट पैपिला को याद करें तो सर्कमरेट पैपिला हमने इस तरह से बनाया था, ये कहते हैं ये इसकी ये इस तरह से रहता है इसकी पेरिफेरी में, ये ग्लैंड दैट इज ग्लैंड्स ऑफ वॉन एबनर, ये देखिए वहां सेक्शन काट के बताई हुई है। ठीक है, पोस्टेरियर स्पाइनल टंग, ठीक है, ये भी सीरस सेक्रेशन करता है। फिजियोलॉजी देख लीजिएगा आप, ये तो थी बात की मेजर और माइनरी सर्वरी ग्लैंड्स की, मेजर सर्वरी ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ हैं, ठीक है, और माइनर सर्वरी ग्लैंड्स कहाँ हैं। दोनों की सेक्रेशन जो है वो सलाइवा है, हालांकि सेलवरी माइलेस जो है सेक्रेशन मेजर ग्लैंड्स की है, बाकी ये म्यूकस और सीरस सेक्रेट करते हैं। तो अब फिजियोलॉजी, अगर सेलवरी ग्लैंड्स की सेक्रेशन की बात करें तो मैंने कहा जो सलाइवा है वो पर डे 1 लीटर to 1.5 लीटर सलाइवा पर डे एक इंडिविजुअल रिलीज करता है, डिपेंड करता है उसकी स्टेट किस तरह की है। ठीक है, जिस जो कह रहा है 0.1 से 4 मिलीलीटर पर मिनट में जो है वो रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें, अगर हम कॉम्पोजिशन देख लें इसकी सलाइवा की, तो सलाइवा की कॉम्पोजिशन में वाटर रहता है 99.5% तक, सॉलिड कंटेंट रहता है 0.5 से 6% तक, गैसेज रहती हैं और उनमें सॉलिड कंटेंट में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं। इसको हम जो है आगे देखते हैं कि इसमें है क्या। तो फिजियोलॉजी सलाइवरी ग्लैंड्स की कहा, सलाइवा प्रोडक्शन द मेन फंक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज क्रूशियल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन फूड को सॉफ्टन करके नीचे ले जाने में हेल्प करता है और प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है, आगे देखते हैं कैसे। सलाइवा इज एक्टिवली प्रोड्यूस इन हाई वॉल्यूम्स रिलेटिव टू द मास ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंट्रोल एक्सटेंशन बाय बोथ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये कहें कि आखिर ये सलाइवा प्रोड्यूस कहाँ होता है, किसके कहने पे प्रोड्यूस होता है। कहता है कि तीन तरह के नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी विल पावर के बिना काम करता है, वहां ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे ही फूड जो है हमारे टंग पे आता है, उसको टेस्ट बर्ड जो है उसके रिसेप्टर रिसीव करते हैं, वो ब्रेन के न्यूक्लाई तक जाता है, सुपीरियर इन्फीरियर जो न्यूक्लाई है, सेलिवरी न्यूक्लाई है, वहां पे जाता है और उसकी सेंसिटिविटी, वहां से सेंसिटिविटी जब ब्रेन तक जाती है, वहां से पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी दो नर्व जो हैं ग्लोसोफिंजियल नर्व्स वगैरह जो हैं 8th और 9th जो हैं नर्व, वो सेक्रेशन करवाती हैं सलाइवा की। ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस सलाइवेशन को रोकता है वापस। ठीक है, ये दोनों एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। सलाइवा क्या रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सलाइवा इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होने के लिए सबसे एक ही ऐसा फूड है जिसकी डाइजेशन माउथ से शुरू होती है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसैकेराइड्स दैट इज स्टार्च। स्टार्च क्यों डाइजेस्ट हो पा रही है, क्योंकि सेलिवरी अमाइलेस जो है वो एंजाइम हमारे